भाजपा के नेताओं को लग रहा है कि मोदी का सहारा है, मोदी तो गुजरातीकरण करना चाहते हैं पूरे देश का, जबकि हर प्रांत की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग लोगों की सोच है। अगर उनको ये लग रहा है कि मोदी हर जगह चल जाएंगे तो बीजेपी की गलतफहमी और ये भी गलतफहमी उनकी आम चुनाव में दूर हो जाएगी। देश ही नहीं रहेगा हमारा एकजुट, देश में आपस में एक दूसरे से आदमी अविश्वास करेगा, एक दूसरे से को शक की निगाह से देखेगा तो ये देश चलेगा? ऐसा आदमी देश को चला सकता है? तो इसलिए हम लोगों ने जो बात कहना है बात कह दी है। एक टाइम फ्रेम है, एक लक्ष्मण रेखा हम लोगों ने अपने लिए खींच ली है, अब उससे उसके इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं। अडवाणी जी अस्वस्थ होने के कारण मैंने ही उन्हें मना किया है कि आज वो नहीं आएंगे, लेकिन कल अडवाणी जी गोवा पहुंच रहे हैं। दरअसल बीजेपी में जंग पीएम पद की दावेदारी को लेकर है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि गोवा में चल रही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बहाने आडवाणी गुट ने दबाव की राजनीति की है। देखना यह दिलचस्प होगा कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अब इस दबाव की राजनीति से किस तरह निपटती है। इतना जरूर है कि इस बहाने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। कोर्ट ने दिया है राज्य सरकार को एक बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आतंक के आरोप में बंद युवकों को छोड़े जाने की पूरी प्रक्रिया पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। साथ ही 6 हफ्ते में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान, जिसमें आतंक के आरोप में जेल में बंद युवकों को सरकार द्वारा छोड़ा जाने की कार्रवाई की जा रही थी, पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की इस पूरी प्रक्रिया पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। आतंकवादियों के विरुद्ध जो केस चल रहे हैं, जिनमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उनको वापस लेने का निर्णय लिया गया था। कोर्ट ने रिट एडमिट की और साथ साथ राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है। अभी फिलहाल इन एप्लीकेशन पर केस के विड्रॉल संबंधित है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस पूरे मामले में 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और पूरे मामले को उच्च खंडपीठ में रेफर करने के भी आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट से मिले झटके के बाद अब यूपी सरकार अपनी मुहिम कोर्ट के जरिए ही जारी रखने के संकेत दिए हैं। मामला आतंकवाद के नाम पर बंद युवकों को छोड़ने का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आतंक के आरोप में बंदी युवकों को छोड़ने के मामले में सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कोर्ट के फैसले का सम्मान की बात की है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में किया वादा पूरा किया, कोर्ट के फैसले का सम्मान है। अगला कदम कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी के बाद ही उठाया जाएगा। कोर्ट जो फैसला करेगा तो कोर्ट पे तो कोई हमारा वो नहीं है, कोर्ट का तो सम्मान सभी करते हैं। आतंकवाद के आरोपों में बंद युवकों को छोड़ने का मामला महज कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक दावपेच से भरा हुआ है। ऐसे में सरकार अब कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहती है। कुंडा केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। राजा भैया ये अक्षय प्रताप का नाम नहीं है चार्जशीट में। नन्हे के आधे दर्जन परिजनों को बनाया अभियुक्त। प्रवीण आजाद को इंतजार है सप्लीमेंट्री चार्जशीट का। सुरेश यादव हाथापाई में मारे गए थे। कुंडा के बल्लीपुर में हुए 2 मार्च को तिहरे हत्याकांड के सभी राजों से लगभग पर्दा उठ चुका है। जहां नन्हे यादव की हत्या पर पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वहीं आज डीएसपी की हत्या में भी चार्जशीट लग गई है। इस हत्याकांड में मारे गए प्रधान के छोटे भाई सुरेश की भी मौत पर सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें कहा कि सुरेश जब डीएसपी पर अपनी 12 बोर की बंदूक से हमला कर रहे थे, तब हाथापाई के दौरान चली गोली सुरेश को लग गई और उससे उनकी मौत हो गई, और उसी से आक्रोशित होकर नन्हे के परिजनों ने डीएसपी पर हमला बोल दिया। नन्हे के बेटे योगेंद्र ने डीएसपी को 315 बोर की राइफल से गोली मार दी। इस हत्याकांड में नन्हे के भाई फूलचंद, पवन, सुधीर और हत्याकांड में मारे गए सुरेश को नन्हे के बेटे योगेंद्र को मुख्य आरोपी, जबकि सुरेश के नाबालिग बेटे राघवेंद्र को भी आरोपी बनाया है। इसके साथ मंजीत यादव समेत 7 अन्य लोगों को हत्या का मुजरिम बनाया है। उधर डीएसपी की पत्नी प्रवीण आजाद ने कहा
कि सीबीआई पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन उन्हें अभी इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट का इंतजार है। उनका कहना है कि वो इस केस को पूरी उम्र लड़ने के लिए तैयार हैं। परवीन आजाद ने राजा भैया के खिलाफ हत्या की साजिश की एफआईआर दर्ज कराई थी। सीबीआई का कहना है कि केस आईने की तरह साफ हो गया है, उसके बाद भी सीबीआई राजा भैया का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। सीबीआई के अधिकारी इस सवाल से बराबर बचते नजर आए कि वो राजा भैया का नार्को टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं। सेकुलर सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यूपीए सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये कहना है वरिष्ठ वकील और बसपा सांसद विजय बहादुर सिंह का। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है कि एक विशेष मजहब के युवाओं को राहत देने के लिए जेल से बाहर निकालने और मुकदमा वापस लेने की कवायद क्यों की जा रही है। इसका जवाब समाजवादी पार्टी के अखिलेश सरकार के साथ साथ केंद्र में बैठी मनमोहन सरकार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में देना होगा। इसी को आधार बना के बसपा सांसद विजय बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले इन दोनों दलों का भी दामन साफ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक निर्देश को आधार बनाकर विजय बहादुर सिंह ने सपा और कांग्रेस पे सवाल तो दाग दिया, लेकिन इसका जवाब देने से बचते हुए नजर आए कि अगर मनमोहन सरकार सेकुलर नहीं है तो बसपा का हाथी हाथ के सरकार को समर्थन क्यों दे रहा है। एक बार फिर सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने पूर्व की बीएसपी सरकार को निशाने पर लिया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीएसपी सरकार के दौरान पिछड़ी जातियों का जमकर उत्पीड़न किया गया है। खास बात ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश में SC ST एक्ट की तर्ज पर ही DC एक्ट के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने वाली सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की निगाह अब लोकसभा चुनाव पर आकर टिक गई है। पिछड़ी जातियों को सपा से जोड़ने की मुहिम के तहत राज्य सरकार SC ST एक्ट के तहत ही प्रदेश में पिछड़े वर्गों का उत्पीड़न रोकने के लिए पिछड़ी जाति उत्पीड़न उन्मूलन अधिनियम बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। पिछड़ी जातियों के उत्पीड़न के लिए पूर्व की बीएसपी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में लगभग 56% आबादी पिछड़ी जातियों की है और सपा यही चाहती है कि ये जातियां समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से जुड़े। इसी मुहिम के तहत अब सपा ने नया प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में संबंधित विभाग ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि सरकार के इस कदम पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। बीजेपी का दावा है कि समाजवादी पार्टी बीसी एक्ट केवल वोट बैंक के लालच में बना रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीसी एक्ट केवल सपा का एक राजनीतिक एजेंडा है। हालांकि बीसी एक्ट के मुद्दे पर राज्य सरकार का विपक्ष ने पुरजोर विरोध करना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को और तूल पकड़ाने की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के विरोध का राज्य सरकार क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। बांदा पुलिस की टीम ने बड़ोखर के पास शब्बीर कुंजड़ा के क्षत विक्षत शव को बरामद कर लिया है। अब इस शव के मिलने के बाद बांदा में कोहराम मच गया है। बदमाशों की दबंगई और पुलिस की लापरवाही से नाराज होकर शब्बीर के परिजनों ने इलाहाबाद मिर्जापुर हाईवे पर आज जाम लगा दिया। जाम 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक लगा रहा। इस दौरान गाड़ियां जहां तहां फंसी रही। इधर शब्बीर की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता दिनेश कुमार शर्मा उर्फ दिन्ना और उसके छोटे भाई जितेंद्र शर्मा पर लगा है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दिनेश और जितेंद्र को RLD नेता कल्लन ने शब्बीर की जिंदगी खत्म करने के लिए 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सुपारी लेकर ही जितेंद्र ने शब्बीर को बड़ोखर गांव में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कल हमको पता चला कि हमारे पति की लाश यहाँ पर है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पति के जो कातिल हैं, जो खूनी हैं, जो दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमारी सुरक्षा की जाए। अब पुलिस ने शब्बीर के शव को क्षत विक्षत हालत में बरामद किया तो लोगों में गुस्सा भर गया और इसी वजह से लोगों ने आज हाईवे भी जाम कर दिया। मुरादाबाद में एक पुल का लोकार्पण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि बसपा नेता और मंत्रियों को जेल जाना पड़ेगा। शिवपाल ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी को अपराधी करार दिया था। मुरादाबाद में आज कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने NH-24 पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बने 850 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी के उस बयान का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि वो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी है। इस पर शिवपाल ने बहुजन समाज पार्टी को लुटेरों की पार्टी बताते हुए कहा कि अब उनकी पोल खुल रही है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है,
बहुजन समाज पार्टी के कई नेता और मंत्री जेल जा चुके हैं और मुख्यमंत्री मायावती सहित कई नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार बिना समाजवादी पार्टी के नहीं बन पाएगी। इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें 80 में से 70 सीटें हासिल होंगी। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी ऐलान किया है कि केंद्र सरकार बिना समाजवादी पार्टी के नहीं बन पाएगी। समाजवादी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में 70 सीटें हासिल होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के यूपी चैप्टर का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। मौका था स्वास्थ्य बीमा के बारे में बात करने का, लेकिन सपा के नेताओं ने इस मौके का खूब फायदा उठाया अपने विपक्षियों पर निशाना साधने में। पहले स्वास्थ्य मंत्री और बाद में मुख्यमंत्री ने अपने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के उद्घाटन का मौका था, बातें हुई यूपी सरकार की तरक्की की। इस बात पर फख्र जताया गया कि यूपी को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट के खिताब से नवाजा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सरकार की तारीफ के बाद तो भिमादी बसपा की तरफ, कहा जिस यूपी का नाम घोटालों के लिए बदनाम था अब वहां पर चमत्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी बसपा को नहीं छोड़ा, कहा पिछले 5 साल में बसपा सरकार ने जिन एम्बुलेंसों की तरफ देखा तक नहीं, वही योजना अब लोगों को लाभ पहुंचा रही है। बसपा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा केंद्र सरकार पिछले 5 साल से एम्स की जमीन के लिए परेशान थी, सपा की सरकार आते ही 6 महीने में मुफ्त जमीन दे दी गई, वो भी 107 एकड़। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सपा को लग रहा है कि वो लक्ष्य 2014 को भेजने के सबसे करीब है, ऐसे में लाजमी है कि खुद की ब्रांडिंग के साथ साथ विपक्ष को भी निशाने पर लिया जाए। 6 साल की बच्ची के साथ रेप के प्रयास मामले में गाजियाबाद कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने आरोपी बस ड्राइवर राजेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई है, वहीं हेल्पर को बरी कर दिया है। बीते 6 सितंबर को वसुंधरा स्थित डीपीएस स्कूल की छात्रा के साथ हुए रेप के प्रयास मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। स्कूल बस में चालक द्वारा 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ रेप का प्रयास किया गया था। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद आरोपी बस चालक राजेश व हेल्पर अशोक के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। इसके बाद लोगों को कोर्ट के फैसले का इंतजार था। गाजियाबाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी बस चालक राजेश को 10 वर्ष की सजा हुई है, वहीं हेल्पर अशोक को कोर्ट ने बरी किया है। करीब 9 महीने के बाद आए कोर्ट के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि कोर्ट के इस सख्त फैसले के बाद इस तरह की मानसिकता रखने वालों में खौफ पैदा होगा। प्रतापगढ़ की जिला कचहरी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की कार्यशैली से नाराज पीड़ित लोगों ने कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देना शुरू कर दिया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज कोड़ौर इलाके के जलालपुर गांव का रहने वाला समूचा परिवार कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगा। इनका आरोप है कि दबंगों ने पहले तो घर को जलाया और फिर गांव से भी मारपीट कर भगा दिया, जबकि पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है। बता दें कि उक्त पीड़ित परिवार 4 दिन से धरने पर बैठा था, परंतु आला अधिकारियों के बेरुखी के चलते आत्मघाती कदम उठाने की ठान ली। इसी तरह मानिकपुर इलाके के दलहा गांव का रहने वाला राकेश भी कलेक्ट्रेट की परिसर स्थित मंदिर की छत पर हाथ में जहर की शीशी लेकर चढ़ गया। राकेश का आरोप है कि दबंगों ने उसका भी घर जला दिया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसका घर जला दिया, घर जलाने के बाद जो है पुलिस वाले और आईओ जबरियन जो है जाकर के इनको ये कहे कि FIR मत करो। राम मिश्रा, ये लोग लगातार इनके ऊपर दबाव बना रहे, आपसी समझौता कर लो। इस दौरान जिला कचहरी में घंटों तमाशा होता रहा। बाद में अपर पुलिस अधीक्षक बिसर्जन सिंह यादव के समझाने बुझाने पर पीड़ित से नीचे उतरे। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा है। जरूरत है बेलगाम पुलिस प्रशासन पर लगाम कसने की, ताकि पीड़ित इस तरह के आत्मघाती कदम उठाने की बजाय पुलिस थाने से ही न्याय पा सके। पति और पत्नी का 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन इसको सर्वसार कर दिया वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में एक पति ने। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी ही पत्नी के प्राइवेट अंगों में 3 से 4 इंच का पत्थर का टुकड़ा डाल दिया। वहीं परिजनों ने इस बात की सूचना प्रशासन को दी तो मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं पीड़ित महिला को सरकारी हॉस्पिटल में उपचार के लिए एडमिट करा दिया गया है। वहीं महिला के ऑपरेशन के बाद 3 से 4 इंच का पत्थर का सामान निकाला गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साफ किया है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। उनके अनुसार वो मुख्यमंत्री के साथ हैं और मुख्यमंत्री को समय दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विकास की मांग अगर कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को उनकी बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि विधायकों की असंतुष्टि के मामले में हरीश रावत को कहीं भी खड़ा करने की कोई भी कोशिश न करे।
हरीश रावत ने प्रदेश में किसी भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं से इनकार करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलना किसी भी बात का समाधान नहीं है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री को विधायकों का मर समझना चाहिए। वहीं हरीश रावत ने सीएम को टाइगर कहा और साफ कहा कि टाइगर तो झपट्टे से ही काम करता है सब कार्य और खुद को हिरण बता दिया। उनके अनुसार पिछले 40 सालों से वो हिरण की तरह पहाड़ों को चढ़ने उतरने का कोशिश करते रहे हैं।